हे गाइस, मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है और कॉन्ट्रैक्टर आखिर क्या है। तो गाइस, इस वीडियो के अंत होने तक कॉन्ट्रैक्टर क्या है और किस तरह से सिलेक्शन किया जाता है इसके बारे में प्रॉपर एक नॉलेज जो है आपके पास होगी। तो गाइस, प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हैशटैग इक्विपमेंट सिलेक्शन का ये दूसरा वीडियो है और हर एक सैटरडे जो है आपको इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट सिलेक्शन से रिलेटेड वीडियोज़ की अपडेट मिलती है। तो इस प्लेलिस्ट के पहले वीडियो में मैं बताया हूँ कि थर्मल ओवरलोड रिले का सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप एक बार वो वीडियो जा करके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि सिंपल हमारा एक कॉन्ट्रैक्टर क्या है। अगर कोई नॉर्मल पीपल आपसे पूछता है या फिर इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर आखिर क्या है, तो आपको बस सिंपल सा जवाब देना है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है एक लो वोल्टेज स्विचिंग डिवाइस है जो कि पावर को मेक और ब्रेक करने में काम आती है। यानी कि गाइज, ये कॉन्ट्रैक्टर का एक तरफ हम लोग जो है 3-phase सप्लाई देते हैं तो दूसरे तरफ से जो है हमें 3-phase सप्लाई की आउटपुट मिलती है। ये आउटपुट हमें तभी मिलेगी जब हम लोग इसके कॉयल में सप्लाई देंगे। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉयल होता है वो 220 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट से जो है ऑपरेट किया जाता है। अब जिस जगह में जैसा रिक्वायरमेंट हमें पड़ता है जो है हम लोग इस कॉन्ट्रैक्टर का यूज़ में लेते हैं। अब गाइस, बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो गाइस, हमेशा याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन किसी भी इक्विपमेंट के फुल लोड करंट के हिसाब से होता है। सपोज मान लीजिए 5.5 किलोवाट का एक मोटर है जिसका फुल लोड करंट है 10.5 एम्स, तो आपको जो है 10.5 एम्स का कॉन्ट्रैक्टर लगाना है। अगर मार्केट में ये 10.5 एम्स का कॉन्ट्रैक्टर अवेलेबल नहीं है, अगर उस जगह में 12 एम्स का कॉन्ट्रैक्टर मिलता है तो आप 12 एम्स लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी 10.5 एम्स यानी कि फुल लोड करंट से नीचे का कॉन्ट्रैक्टर नहीं लगाना चाहिए। गाइज, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है बस ये जो है हमारा कॉन्टैक्ट को यानी कि पावर को एक बार मेक और ब्रेक करती है। कॉन्ट्रैक्टर के कॉयल में हम लोग सप्लाई देते हैं तो हमारा जो है ये कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होता है और हमारा सप्लाई एक तरफ से दूसरे तरफ चला जाता है। तो गाइस, याद रखिएगा हमेशा एक बात कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन करना हो तो हमेशा जो है किसी भी इक्विपमेंट का फुल लोड करंट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन करना है। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्टार डेल्टा में किस तरह से कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन किया जाता है तो वो जो है बिल्कुल अलग है। तो गाइस, अगर आपको स्टार डेल्टा का सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है, अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी जो है वीडियो बना दूंगा। गाइस, अगर आपको मेरे समझाने का टेक्निक पसंद आ रहा है और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज वो आपके तक जैसे बहुत आसानी से पहुँच जाए। और गाइस, वीडियो को जो है शेयर करना ना भूलें। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।